थैंक यू जनाबी स्पीकर चार अप्रैल चार अप्रैल वो दिन है जिसे हम एक स्याह दिन के आज के दिन मैं तो ये समझती हूँ कि वो अजीम लीडर वो अजीम लीडर हमसे चीना गया हमसे ले लिया गया कि आज का दिन स्या अरफों में हमेशा और हमेशा के लिए लिखा जाए वो शहीद हैं और कहा जाता है कि शहीद के नाम हमेशा लिए जाते हैं तो इट्स एन एग्ज़ाम्पल आज तक भुट्टो साहब का जब नाम लिया जाता है तो आज तक इसी पार्लियामेंट में भी उनकी जो नाम ली जाती है ही इज अलाई एंड ही अलाई फॉर अनदर 300 और 400 हंड्रेड ईयर्स टू कम जब तक कि ये पार्लियामेंट है 1973 में उनकी हुकूमत ने जो ड्राफ्ट बनाई और हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया मैं समझती हूँ हमारी आवाम पाकिस्तान की जो आवाम है बस के बदकिस्मत है वो आवाम। आज हम बैठ के इस शहीद के दिन को हम दूसरों को अपने स्पीचेस के बीच में ला रहे हैं वी शुड पे ट्रिब्यूट टू द शहीद वी शुड पे ट्रिब्यूट टू साहब। हम उन शोधाओं को ट्रिब्यूट पे करें जिन्होंने इस पार्लियामेंट में बैठ के आज वो नहीं है हम अपने आसपास देखें इन्हीं कुर्सियों में कौन बैठे थे आज बीबी शहीद है खान वली खान आसिल बिजिंजो साहब नवाब मरी साहब सरदार अताउल्ला साहब नवाब बुक्टी साहब क्या हम इन जैसे शख्सियात को वापस ला सकते हैं नो वी आर सच सेल्फिश पीपल आए दिन यहां पे तो पॉलिटिशियंस तो हर रोज पैदा होते हैं मगर लीडर एक होता है सौ सालों में एक लीडर बनता है हम उस लीडर की मिसाल लें हम में न यूनिटी है ना एक दूसरे के ऊपर फेथ है ना डिसिप्लिन तो वो बहुत दूर की बात है आए उन्होंने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ने के लिए नहीं होते उसे और मजबूत बनाने के लिए होता है। और ये पार्लियामेंट का फर्ज है दिस इज योर ड्यूटी टू सेफ गार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट टू ब्रेक इट यस वो लोग जो इसमें शरीक थे वो आज भी पार्लियामेंट्स में बैठे हुए जैसे जनाब स्पीकर साहब आप हिस्सा हैं उन तारीख का रबानी साहब जो बैठे हैं वहाँ पे तमाम ऐसे सीनियर्स जो यहाँ पे बैठे हैं तमाम पार्टियों के इफ़ यू वांट टू गेट एनी अमेंडमेंट देर शुड बी देर शुड बी अ कंसल्टेशन ये नहीं कि एक दूसरे के सर को कुचला जाए वो जाते हैं इट वॉज टेरेबल मैं आपको पता नहीं आईंदा मुझे यहाँ पे मौका मिले या ना मिले इनशा हमेशा मिलेगा थैंक यू सो मच थैंक यू बट मैं आपको ये कहूँ ये जो चार साल हमारे पाँच थे आई थॉट कि आई हैव डन अ लॉट इन बाईस पच्चीस सालों में जो हम पार्लियामेंट्स और असम्बलीज और सेनेट से होते हुए यहाँ पे आके वी वुड डू समथिंग बट मैं यहाँ आके बहुत ही आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड आई वॉज वेरी वेरी डिसपॉइंटेड कि यहाँ पे मैंने क्या सीखना है यहाँ पे तो एक दूसरे को यू नो यूजिंग बैड वर्ड्स आप बजाय कि एक दूसरे को इज्जत दें यहाँ पे भी आई जस्ट लर्न कि एक दूसरे को नीचा कहना एक दूसरे की बेइज्जती करना दिस इज नॉट वॉट पार्लियामेंट इज पाकिस्तान का फ्यूचर क्या हमसे यही सीखेगा हम अपने सूबों के राइट्स अपने मुल्क के राइट्स के लिए यहां पे बात करें हम अपने लोगों की अमेंडमेंट जो उनकी जो तकलीफ है आज जो पाकिस्तान जिस घड़ी पे कड़ा है जहां भूख महंगाई नौकरियां नहीं मिल रही लोग सड़कों पे आटे के लिए लड़ रहे हैं किसकी मीरा से जो छोड़ के गए जस्ट बिकॉज बलोचिस्तान डजन स्पीक नो बलूचिस्तान स्पीक्स ये छोड़ के गए और फिर एक दूसरे पे ब्लेम दिस डोंट प्ले दिस ब्लेम गेम आपका पाकिस्तान है आपको यहां की जिम्मेदारी आप इन कुर्सियों पर आके बैठे हैं नॉट टू प्ले द ब्लेम गेम पोजिशंस लीडर्स लीडर्स आर नॉट मेड टू हैव दिस ब्लेम गेम इन दार्लियामेंट आपका काम है लोगों की तकलीफ दूर करना आपका काम है लोगों की जो महंगाई के इस दौर से गुजर रहे हैं मुल्क जहाँ जिस जगह पर जा रहा है वी नीड टू बी देर अदरवाइज देर इज नो वे वी शुड सिट ऑन दीज सीट्स। अगर हम कुछ नहीं कर सकते या ये ब्लेम गेम एक दूसरे के ऊपर लगाएं, वी शुड गो ऑन अ स्ट्रेट लाइन वी शुड बी यूनाइटेड आप बात करते हैं यूनिटी डिसिप्लिन एंड फेथ कायदे आजम साहब ने ये लिख के छोड़ा हुआ है मगर हु इज गोइंग ऑन दीज लाइन नो बडी आज मैं मैं ना देखती हूँ ना में यूनिटी है ना एक दूसरे के ऊपर फेथ है ना ऑनेस्टी नो डिसिप्लिन तो मैं यही कहूंगी कि आज जो लीडर्स होते हैं वो अपने लोगों को कनेक्ट करते हैं यू कनेक्ट योर पीपल यू यू गाइड देम यू टेक देम विद यू लोगों का एक्सेस होता है आपके पास आजकल के लीडर्स दरवाजा बंद कर देते हैं ऑफिस में जब पहुंच जाते हैं तो फिर वो नहीं मिलते दिस इज नॉट कॉल्ड लीडरशिप भुट्टो साहब ने एक मिसाल दे दी उन्होंने जान दे दी मगर नाम उनका रहता है ये वो क्यों रहते हैं बिकॉज यू हैड एक्सेस टू हिम एनी बडी यू वॉन्टेड हेम ही वॉज देयर फॉर देम I was a kid, I think. Jabwa Marigara. And I was so inspired by him that he would speak to everybody. Vank, Vampi, Kisi Federal Minister, Ki Kamini iti, Senators ki Kamini, it both very family. But he even spoke to the waiter. He asked him, Where are you from? Where did you learn how to serve? तो इतने बड़े आदमी का ये कहना फॉर दैट पर्सन ही स्टिल हैज अ पिक्चर ऑन द वॉल एंड ही स्टिल बिलीव इन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इट्स बिलीविंग इट्स बिलीविंग इन योर कंट्री इट्स बिलीविंग इन योर लीडर ये आई विल इफ यू लिसन टू इट ऑलवेज इट्स वाइंड अप कैन यू ऑल्सो से समथिंग फॉर पाकिस्तान

अगर आप सबको साथ लें तो इस तरह से कोर्ट के फैसले भी नहीं आते जी क्रॉस टॉक ना कीजिए जी शी हैज़ फ्लोर स्पीक। जी। और uh, जनाब स्पीकर मैं कहती हूं लीडरशिप इज नॉट पोजिशन लीडरशिप इज एक्शन यू टेक एक्शन बी अ लीडर शो योर कंट्री दैट यू आर अडर यू आर अडर ऑफ द पीपल आज आप वोट लेके आए हैं इन कुर्सियों पे बैठ के आज आप बना रहे हैं चार चार अप्रैल जो एक स्या दिन है आप उसकी मिसाल दे रहे हो मगर उनकी बात भी करें आप उसको याद क्यों करते हैं बिकॉज ई वॉज अ लीडर हिज पार्टी इज अव वाई बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद द पीपल वंस यू आर कनेक्टेड योर टुगेदर देन यू कैन रन आ पार्टी नॉट क्रिटिसाइज एंड लेट्स बी टुगेदर फॉर पाकिस्तान लेट्स बी पाकिस्तान की बका की खातिर हमें साथ खड़ा होना है पाकिस्तान के चारों सूबों के लिए और खवान को अपने साथ लेके आपको चलना होगा Thank you so much. Thank you very much, mashallah.